तेरे बाप है बहन चो, तभी तो तू कर रहा है उल्टा काम। कभी एक बात पूरा मतलब करो, मैंने लड़कों के हक की आवाज उठा दी, आपको उससे सुन। चिरमिरा लग गई मिर्ची होगी। अरे ये नहीं, अरे बेटा आप मुझे वो माउजर दिखा के डरा रहे थे कमरे में, हैं? हाँ देखो मार रहा था ना। जय हिंद साथियों, इंदौर फिजिकल एकेडमी के संचालक जितेंद्र पैरवाल ने हमें कॉल करके जो धमकी दी है, हमें गालियां दी हैं, उसके लिए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम एक बार उन युवाओं को यह क्लियर कर देते हैं जिन्होंने उसके कहने पर हमें कॉल करके धमकी दी है और गालियां दी हैं, या वो इसके लिए हमें अभी भी कॉल कर रहे हैं। तो मैं ऐसे युवाओं को कहना चाहूंगा कि बेटा, अगर एक बार आपके नाम से FIR हो गई तो फिर सिर्फ सेना भर्ती ही नहीं बल्कि किसी भी सरकारी नौकरी के तुम लायक नहीं रहोगे। और जिसके कहने में आकर तुम यह सब कर रहे हो, वो उस वक्त हाथ खड़े कर देगा, वो आपका साथ नहीं देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हम आपको एक बार वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। भले ही आपने जितेंद्र पैरवाल के कहने पर आकर हमें गलत कमेंट किए, मैसेज किए, फोन किए, हमें धमकी दी हो, गालियां दी हो, पर हम आपका कैरियर खराब बिल्कुल नहीं करना चाहते। इसलिए आगे से आप इस बात का बेहद ख्याल रखना कि किसी के भी कहने पर आकर कोई गलत काम मत करना। और शर्म तो इस पैरवाल को आनी चाहिए जो अपने फायदे के लिए इन युवाओं को इस्तेमाल कर रहा है, युवाओं के कैरियर से खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद करने पर तुला है। क्योंकि यह तो इन युवाओं को भी पता होगा कि जिसके कहने पर वो यह गलत काम कर रहे हैं, इसके लिए सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। अगर एक बार आपके नाम से FIR हुई तो फिर सेना भर्ती का सपना तो सपना ही रह जाएगा, आपको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। और ये पैरवाल जो युवाओं के हमदर्द बनने का नाटक कर रहा है ना कि मैं युवाओं के लिए जेल गया, मेरे ऊपर FIR हुई है, देखिए यह सब कितना सच है इसके बारे में भी आपको एक से दो दिन में पूरी सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि इसे शायद यह लग रहा हो कि मैं पैसे फेंक कर हीरो बन सकता हूं। तो देखता हूं कि तू कितना बड़ा पैसे वाला है, कितने पैसे फेंकेगा और कहां तक तेरा झूठ चलेगा। क्योंकि तू शायद इस बार यह भूल कर गया कि कोई ऐसा वैसा ही पत्रकार होगा, गाली दूंगा, माउजर गन दिखाऊंगा तो डराऊंगा, तो डरकर चुप बैठ जाएगा। देखो अभी तो तुझे उस माउजर या पिस्टल जो भी थी उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि तू तो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था और फ्लाइट में यह सब कतई अलाउ नहीं होता। फिर वो बंदूक लेकर दिल्ली कौन पहुंचा था? दिल्ली में जंतर मंतर पर, धरना स्थल पर कई और भी धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, वहां हजारों की भीड़ थी। अगर उस भीड़ में भी तू वह गन लेकर पहुंचा हो तो यह तो किसी के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता था, और तुझे इसका लाइसेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। देख सभी काम होंगे, बस थोड़ा सब्र कर, क्योंकि इसकी जांच दिल्ली लेवल पर चल रही है। और कास्ट के जिन वीडियो को दिखाकर तू यह कह रहा है ना कि ये जेल के वीडियो है, हम युवाओं से मिलने जेल पहुंचे थे, अगर वास्तव में वो जेल या सिर्फ थाने के भी वीडियो हुए तो तुझे पत्रकारिता के पैक की पावर जरूर पता चल जाएगी। तो पैसे के दम पर लोगों को कितना ही बेवकूफ बना लेना, लेकिन हमारी कलम जब चलेगी तो वहां पर सिर्फ सच ही दिखेगा, वहां पर सिर्फ सच ही दिखेगा। देखिए साथियों, आप हमारे साथ इतने समय से जुड़े हैं, आपने भी देखा होगा कि हमने आज तक कभी भी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट नहीं किया। लेकिन आज अगर इसे अच्छे से सबक नहीं सिखाया गया तो कल को तो ये किसी के भी साथ बदतमीजी कर सकता है, किसी को भी गाली दे देगा, किसी को भी धमकी दे देगा, या तो हर किसी को यह कहेगा कि मेरा तो पत्रकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए आप सभी मुझे यह कहकर ना रोकें कि सर अब जाने दो, यह तो पागल है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूं साथियों, क्योंकि यह भी मेरे काम का ही एक हिस्सा है, जो लोगों के साथ गलत व्यवहार करता हो, लोगों को परेशान करता हो, लोगों को गाली देता हो, धमकी देता हो, अरे कैसे कर सकता है ये सब कोई? बिल्कुल नहीं कर सकता। आप सभी से मैं एक बार फिर हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप सभी ने हमेशा से डी न्यूज का साथ दिया है, ऐसे ही प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें, और आज हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए प्लीज सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे पाखंडी लोगों को, ऐसे घमंडी लोगों को सबक सिखाया जाए, उन्हें उनकी असली औकात दिखाई जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं इसी एपिसोड के अगले खुलासे के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, और हाँ, इन फर्जी संचालकों से तो बिल्कुल ही दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।